हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है मनोहरा। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे UGC नेट पेपर 1 का लेक्चर नंबर 41, जिसका नाम है बैरियर्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो इसके पहले हम क्लासरूम कम्युनिकेशन का हम पहले बना चुके हैं लेक्चर, तो आज हम करेंगे बैरियर्स। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। UGC नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो PDF में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में PDF देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको अकेला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका PDF भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बैरियर्स इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन की। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन में पहले हमने पढ़ा था क्लासरूम कम्युनिकेशन डेफिनेशन, फिर हमने पढ़े थे टाइप्स, फिर पढ़े थे इसके करेक्टरिस्टिक्स, और अब हम पढ़ेंगे इसके बैरियर। बैरियर का मतलब समझिए। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन के दौरान होने वाली बाधाएं, जैसे मान के चले कि ऐसे आप रोड पर जा रहे हो तो वहाँ पर पुलिस चेकिंग का नाका लगा होता है ना, वो बैरियर जैसे लगाए तो सड़क बंद की होती है, तो उसे बोलते हैं बैरियर। यानी कि आप जिस जगह पे जा रहे हो या आपका जो मकसद है उसमें कुछ अड़चने आ जाएँ, तो उसे बोलते हैं बैरियर, बाधाएँ। ठीक है, तो कौन कौन सी बाधाएँ हैं देखते हैं चलिए। पहला है लिसनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, लिसनिंग देखिए, सबसे पहले बैरियर में आती है लिसनिंग की बैरियर। जैसे मान के चलिए कि क्लास में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो क्लास के बाहर कोई शोभा यात्रा निकल रही है, कभी कुछ हो रहा है, या कुछ जनरेटर चल रहा है, या कुछ भी आवाज़ आ रही है, तो वो कह रहा है कि जो क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है, जो टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जो कितना इम्पोर्टेंट लेसन है, तो वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि जनरेटर की आवाज़ से क्या हो रहा है कि सारा कुछ जो कम्युनिकेशन ख़राब हो रहा है, तो हो गया बैरियर। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें डबल फ़ायदा आपको इस लेक्चर में देखिए। आप तो इसमें बैरियर पता चलेंगे क्या है, उसको सही करने के उपाय क्या है वो भी इसमें बताए जाएंगे। देखिए, लिसनिंग हो गया ना बैरियर, कि क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, जनरेटर की आवाज़ उनको जो समझ में ना आए, तो वो बैरियर हो गया। अब ऐसे ठीक कैसे करें, देखिए, टू इम्प्रूव टीचर एबिलिटीज एज ए क्लासरूम कम्युनिकेटर। देखिए, टीचर को अपनी एबिलिटी को, अगर जान की अगर टीचर को क्लासरूम में बच्चों को कम्युनिकेट करना है, पढ़ाना है, तो उसको अपनी टीचर एबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी को क्या करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि टीचर बहुत स्लो बोलते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है ना, तो वो भी बैरियर हो जाता है। यानी कि टीचर को अपनी एबिलिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करनी होती है। उसके बाद क्या होता है, ही मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। इन अदर वर्ड्स, सीक नॉट ओनली टू अंडरस्टूड बट टू अंडरस्टैंड। देखिए, उसको जो टीचर है उसको पहले ये समझना चाहिए, बच्चों के बारे में समझना चाहिए, स्टूडेंट के बारे में समझना चाहिए। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें जो समझने के बजाय अच्छे से समझना चाहिए। यानी कि टीचर को ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे हैं, जो क्लास में बैठे हैं, तो उसको मैं कैसे अच्छे से करवा पाऊँ। ठीक है, तो कैसे उनको समझा पाऊँ अच्छे से। दिस कैन बेस्ट बी डन बाय लिसनिंग एक्टिवली टू व्हाट द स्टूडेंट्स हैव टू से। इसमें क्या होगा कि अगर, देखिए इसमें क्या है कि अगर टीचर को ये लगे, यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसका ये पॉइंट का मतलब है कि बच्चे अगर जो बात टीचर को कह रहे हैं टीचर को आसानी से समझ में आ जाए, यानी कि जब स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो तो बच्चे टीचर को कुछ कहें, तो उसको टीचर को उनकी बातों को
समझ में आना चाहिए। होता है ना ऐसे कि जैसे टीचर ने कोई सवाल कर दिया तो बच्चों ने जवाब तो दे दिया, पर बच्चे ने कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया जो टीचर को समझ में आना चाहिए कि ये बच्चा क्या पूछ रहा है, तो वह एक अच्छी लिसनिंग मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, लिसनिंग का एक होती है हेयरिंग, एक होती है लिसनिंग। हेयरिंग होता है सुनना, लिसनिंग होता है ध्यान से सुनना। यानी कि इसमें बात कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो टीचर की कही बातों को बच्चे भी ध्यान से सुने और बच्चे की कही बातों को भी टीचर को भी ध्यान से सुनना चाहिए। देन टीचर मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी टू थिंक एंड कम्युनिकेट एक्यूरेट सेंटेंस वाइल स्पीकिंग। इसमें क्या है कि टीचर को सोच विचार से बोलना चाहिए और सेंटेंस को बोलते समय बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बोलना चाहिए कि ताकि बच्चों को हर एक जो शब्द है वो आसानी से समझ में आ जाए, क्लियर समझ में आ जाए। यानी कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगेगा तो टीचर को चाहिए कि वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करे और इस हिसाब से करे बोलते समय, इस सेंटेंस का इस्तेमाल करे कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। देखिए, सिंप्लिसिटी भी बैरियर एक, ठीक है। प्रेफर वर्ड्स हुज मीनिंग आर फैमिलियर टू द स्टूडेंट्स। अब देखिए, सिंप्लिसिटी में क्या है कि जो सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर देखिए कि टीचर बच्चों को क्लास में कुछ पढ़ा रहा है, अगर वो वहाँ पे मुश्किल से मुश्किल वर्ड का इस्तेमाल कर दे अपने लेक्चर, वो तो देख के चला जाएगा पर बच्चों को समझ में तो आया नहीं, हो गया बैरियर। तो इसमें क्या है कि बच्चों को क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसका जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। मेक स्पेशल मीनिंग ऑफ फैमिली वर्ड्स क्लियर द फर्स्ट टाइम यूज देम। अगर टीचर किसी मुश्किल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वर्ड को कहने से पहले या कहने के बाद तो टीचर को उसका मीनिंग भी बता देना चाहिए कि ये शब्द का ये मीनिंग होता है, आज मैं इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। इफ़ टीचर यूज ए वर्ड्स लाइक टू बी अनफैमिलियर टू अ स्टूडेंट, डिफाइन दैट वर्ड। वही बात फिर से है यहाँ पे कि अगर टीचर को लगता है कि जो वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो बच्चों को समझ में आएगा नहीं, तो पहले उसके बारे में डिफाइन करना चाहिए कि मैं इस वर्ड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ए टीचर नीड्स टू हैव ए फेयरली एक्यूरेट इम्प्रेशन ऑफ द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, जो टीचर है उसको जो वोकैब है यानी कि जो शब्द का उच्चारण है वो अच्छे से आना चाहिए ताकि वो बच्चों को अच्छे से करवा सके। एन एक्यूरेट नॉलेज ऑफ द एक्सेप्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो उनको जो टीचर है उसको जो शब्द है जो वर्ड्स है उसके मीनिंग का अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। इंट्रोड्यूस ए प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी मतलब है अतिरेक या फालतूपन। देखिए, अगर हम फालतू चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो वो बैरियर हो जाएगा। इनकी पढ़ना कुछ और है पर फालतू की बातें करके वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो उसको ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, रिडेंडेंसी इन कम्युनिकेशन अनइवनली मीन द अमाउंट ऑफ द रिपीटेशन ए मैसेज कंटेन। यानी कि एक ही जो टीचर है अगर उसने एक लाइन को बार 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 पढ़ाता रहे तो होते हैं रिडेंडेंसी। ठीक है, टीचर शुड इंश्योर दैट दे इंक्लूड ए अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द रिडेंडेंसी इन देयर इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स। टीचर को ये दिखना चाहिए कि उसको इतना ज़्यादा नहीं, यानी कि एक लाइन उसने जो समझानी है उसको 10 बार नहीं कहना चाहिए, एक बार या 2 बार समझाना चाहिए। यानी कि जो उसने अगर शब्दों का इस्तेमाल बार बार करना है तो उसको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, ना कि ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना चाहिए। देन इफ़ एनी फ्रेज इज़ मिसअंडरस्टूड अदर एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन विल कैरी द पॉइंट। अगर कहीं किसी जगह पे मिसअंडरस्टूड यानी कि किसी जगह पे कोई गलतफहमी है तो इससे क्या होगा कि कम्युनिकेट विद कैरी द पॉइंट, यानी कि उसको अदर एलिमेंट से पॉइंट को क्लियर कर देना चाहिए। यानी कि अगर किसी लाइन में कुछ ना समझ आए तो टीचर को अदर पॉइंट से या अदर चीज़ से उसको कम्युनिकेट करके बच्चों को पॉइंट को क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक भी बहुत बड़ा बैरियर है। देखिए, फीडबैक में क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, होता है नेगेटिव फीडबैक। अगर टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को समझ में आ गया तो वो हो गया पॉजिटिव फीडबैक। टीचर ने बच्चों को पढ़ाया पर बच्चों को समझ में नहीं आया, वो क्या है, नेगेटिव फीडबैक। द इम्पोर्टेंट ऑफ द पेइंग अटेंशन टू फीडबैक इन द क्लासरूम कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड। देखिए, इसमें क्या है कि क्लास में बच्चों को जो फीडबैक, देखिए ऐसा होता है कि जब क्लास में अगर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चों को पूरी तरीके से अटेंशन देनी चाहिए,
ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया है पर बच्चों ने उसको अच्छे से समझा नहीं है, वो पेपर में फेल हो गए, तो वो क्या हो गया, फीडबैक गलत हो गया। टू वे कम्युनिकेशन हैज़ द एडवांटेज ऑफ ब्रिंगिंग फ्रॉम द लिसनर एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स विच टीचर कॉल फीडबैक। देखिए टू वे कम्युनिकेशन क्या है, टू वे कम्युनिकेशन, देखिए फीडबैक का मतलब क्या है, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में क्या है कि जिसमें एक तरफ है टीचर एक तरफ है स्टूडेंट, ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो रही है, बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, उसे बोलते हैं टू वे। अब आप मोबाइल पे बात करोगे किसी से तो एक तरफ आप, एक तरफ आपका फ्रेंड है, वो भी टू वे कम्युनिकेशन। यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करें तो हो गया टू वे कम्युनिकेशन। क्लासरूम के अंदर एक है टीचर एक है स्टूडेंट, वो है टू वे कम्युनिकेशन, जिसे फीडबैक कहा जाता है। ऑफ्टन दिस इज नॉट वर्बल इन नेचर, सो द टीचर शुड नॉट फेशियल एक्सप्रेशन ऑब्जर्व एक्शन एंड फाइनली आस्क क्वेश्चन टू सी वेदर द इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन अंडरस्टैंड। देखिए ये कोई नॉट नॉन वर्बल जो नेचर में नहीं है, यानी कि जो फीडबैक है ये नॉन वर्बल नहीं होता। इसमें ना ही बच्चों का फेशियल एक्सप्रेशन देखा जाता है टीचर के द्वारा, टीचर इसमें बच्चों का फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देखता है बच्चों को समझ आया कि नहीं, ना ही उनको एक्शन को ऑब्जर्व करता है। बस टीचर को इसमें फीडबैक है यही पूछना होता है, अपने मुँह से पूछना होता है, इसमें डायरेक्ट पूछता है इसमें कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। यानी कि फीडबैक में बच्चों का फेशियल एक्सप्रेशन देख के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि फीडबैक कैसा रहा है, कि जब तक टीचर बच्चों को पूछना ले। तो इसमें क्या होता है कि टीचर बच्चे से आसानी से पूछता है कि उनको समझ में आया कि नहीं। द टीचर शुड ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ फीडबैक टू एडजस्ट द पेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू सूट द स्टूडेंट्स एंड रिपीट और एक्सप्लेन एनी पार्ट्स इंडिकेटेड एज कन्फ्यूजिंग बाई फीडबैक सिग्नल। देखिए टीचर को क्या है, एक ऐसा फीडबैक का इस्तेमाल करना चाहिए कि जैसे बच्चों को, देखिए मान के चलिए इसमें जैसे टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया, अब बच्चों को कुछ बातें समझ में नहीं आई, तो टीचर को चाहिए कि अच्छा फीडबैक लेने के लिए बच्चों को फिर से वही चीज़ को दोहराए या फिर से वही चीज़ को समझाए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एम्पैथी। टीचर हु इंजॉय ए गुड रिलेशनशिप विद देयर पीपल्स हैव मच लेस डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग विद देम। अगर टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक है, या अपने सहपाठियों के साथ जो है, जो अपने स्टूडेंट के साथ जो अच्छा जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसको कभी भी कम्युनिकेटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान के चलिए कि एक क्लास में टीचर एक क्लास में स्टूडेंट है, तो दोनों में एक अच्छा संबंध है, टीचर बच्चों की बातों को समझता है, बच्चे टीचर की बातों को समझते हैं, ठीक है, तो उसमें उनको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इफ़ यू कैन रिमेंबर व्हाट इट वाज लाइक टू बी पीपल एट लेवल्स यू आर टीचिंग एंड टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू कम्युनिकेट विद योर क्लास। देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर टीचर को जो जिस क्लास में पढ़ा रहा है उसको उनका लेवल पता है कि बच्चों को कितने लेवल तक की नॉलेज देनी है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनको कितना समझ में आए कि जिससे वो इंटरेस्ट ले सके, तो ये बहुत आसान हो जाएगा क्लास में बच्चों से कम्युनिकेट करने का। यानी कि टीचर को पता हो कि छोटे जो बच्चे हैं उनको कितना पढ़ाना है जिससे इंटरेस्ट जागे, तो बड़े बच्चों को कितना पढ़ाना है उनका इंटरेस्ट जागे। यानी कि क्लास के हिसाब से टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों का कैसे इंटरेस्ट बनाना है, कितना पढ़ाना है उनको, कि ताकि उनको समझ में आए, तो ये बहुत आसान हो जाएगा इसे। टेक एवरी अपॉर्चुनिटी दैट अराइज टू कन्वे समथिंग और हेल्प ऑफ हेल्प और वैल्यू टू इंडिविजुअल पीपल्स। देखिए हर बच्चे को, टीचर को चाहिए कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे कि ताकि बच्चे को हेल्प हो सके। यानी कि किसी बच्चे को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो सभी को अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, कि ताकि उनकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। लेट योर पीपल्स नो दैट यू इंजॉय टीचिंग नॉट ओनली योर सब्जेक्ट बट ऑल्सो दैट पर्टिकुलर क्लास। यानी कि इसमें क्या होता है कि टीचर जब क्लास में जो पढ़ाता है वो तो इंजॉय करके पढ़ाएगा, यानी कि वो अच्छे से बच्चों को समझाएगा। अब टीचर को जो चीज़ अच्छी लगती है वो बच्चों को भी अच्छी लगनी चाहिए। यानी कि जिस हिसाब से इंजॉय करके वो टीचिंग को बच्चों को अच्छे से करवा रहा है उस हिसाब से बच्चों को भी समझ में आना चाहिए, तो ये ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइमिंग। देखिए टाइम द गिविंग ऑफ इंस्ट्रक्शन सो दैट द बेस्ट कंडीशन आर प्रेजेंट। देखिए टाइम के टाइमिंग में क्या है कि टाइम के अंदर
अगर बच्चों को सारी चीज़ समझा दी जाए तो वो बेस्ट कंडीशन बन जाएगी। यानी कि मान के चले कि एक स्कूल में एक क्लास में 35 या 45 मिनट का लेक्चर होता है, तो उस टाइम के अंदर बच्चों को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें समझानी है तो वो अच्छा हो जाएगा। डो नॉट टॉक ओवर नॉइस और परमिट पेपर्स टू कॉल आउट और टॉक वाइल यू आर स्पीकिंग। बच्चों को ये समझाना चाहिए इसमें कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो ना बच्चों को आपस में बात करनी चाहिए ना किसी और से, ठीक है फ्रेंड्स, ना कोई शोर करना चाहिए, ठीक है। जब टीचर क्लास में बोलता है ना बच्चों को शोर करना चाहिए ना आपस में बात करनी चाहिए, ठीक है। इससे कम इसमें अगर ऐसा होगा तो ये कम्युनिकेट जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सही हो जाएगा। डू नॉट ओवर लोड द पीपल्स बट गिव सफिशेंट इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग। टीचर को चाहिए कि बच्चों को क्लास में वो ओवरलोड नहीं कि किसी टॉपिक के बारे में जो पढ़ा रहा है वो इतना ज़्यादा ना पढ़ा दे कि बच्चों को समझ में ना आए, बस इतनी सफिशेंट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो बच्चे आसानी से उसको समझ पाए। यानी कि टीचर को क्लास में किसी चीज़ के बारे में उतना समझाना चाहिए जिसे बच्चे आसानी से समझ पाए। कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन, ये लास्ट पॉइंट है। इट इज़ पुअर कम्युनिकेशन टू से वन थिंग एंड टू कॉन्ट्राडिक्ट इट बाय योर एक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर इट इज़ पुअर कम्युनिकेशन टू से वन थिंग, अगर टीचर क्लास में कुछ चीज़ को बोलता है तो बाद में उसी चीज़ का खंडन कर देता है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट होता है खंडन करना, यानी कि टीचर पहले क्लास में कुछ चीज़ को कहे फिर उसी बात को गलत कह दे तो वो पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। इफ़ ए टीचर इज़ स्लोपी इन सेटिंग आउट एंड राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि अगर टीचर को क्लास में जब ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा उसको लिखने में दिक्कत आ रही है क्योंकि ब्लैक बोर्ड गंदा हो चुका है, दैट टीचर कैन हार्डली एक्सपेक्ट हिज पीपल्स टू कीप देयर एक्सरसाइज बुक्स नीट एंड टाइडी मेयरली बिकॉज ही टेल्स देम टू डू सो। देखिए अगर टीचर क्लास में जब ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाता है तो वो ब्लैक बोर्ड को पूरा भर देगा, है ना, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ वहाँ कर देगा, तो बच्चों को चाहिए वो वैसा नहीं करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेगा तो बच्चों को वो बच्चों से आशा करता है या उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि जो वो लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे बच्चे उसको वैसा ना लिखें, उनको नीट एंड क्लीन लिखें। ए टीचर्स एक्शन आर अंडर कॉन्स्टेंट स्क्रिटनी एंड क्रिटिसिज्म बाय पीपल्स, ठीक है। इसमें क्या है कि जो टीचर्स का जो एक्शन है तो उसको जो अगर जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो अगर बच्चों को नहीं समझ में आता तो बच्चे उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जिससे उसको जो बच्चा है उसको अच्छे से टीचर बाद में उसको करा देगा। यानी कि इसमें क्या मतलब है कि अगर टीचर द्वारा बच्चों को पढ़ाया समझ में नहीं आया तो बच्चे उसको कह सकते हैं कि समझ में नहीं आया तो टीचर उसको दोबारा से करवा देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।